नमस्कार दोस्तों, हाल ही में तारक मेहता का उल्टा चश्मा का नया प्रोमो सामने आया था, जिसमें दिखाया गया है कि शो में दया बेन की जल्द ही वापसी होने जा रही है। कयास लगाए जा रहे थे कि दिशा वकानी एक बार फिर दया बेन के अवतार में नजर आएगी, लेकिन अब दिशा के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर है। तारक मेहता के प्रोड्यूसर असित मोदी ने कन्फर्म कर दिया है कि दिशा वकानी इस शो से हमेशा के लिए आउट हो चुकी है। अब शो में दया बेन का किरदार कोई नई एक्ट्रेस निभाने जा रही है। ई टाइम से बातचीत में असित मोदी ने कहा कि दया बेन का किरदार शो में लौटने वाला है, लेकिन दिशा वकानी इसे नहीं निभाएगी। दिशा के रिप्लेसमेंट के लिए ऑडिशन चल रहे हैं और जल्द ही नई एक्ट्रेस का चुनाव कर लिया जाएगा। वहीं जब असित मोदी से पूछा गया कि दिशा वकानी ने 5 साल पहले शो को छोड़ दिया था, ऐसे में उनका रिप्लेसमेंट ढूंढने में इतना वक्त क्यों लगा, इस पर असित मोदी ने कहा कि शादी के बाद भी दिशा वकानी ने हमारे साथ कुछ वक्त काम किया था। इसके बाद उन्होंने अपने बच्चे की परवरिश के लिए ब्रेक लिया था। उन्होंने कभी भी शो नहीं छोड़ा था। हमको उम्मीद थी कि दिशा वापस आएगी, लेकिन फिर कोविड महामारी आ गई। दिशा ने कहा कि उन्हें काम में वापसी करने में काफी डर लग रहा है। उनका हमारा शो से काफी पुराना संबंध था और सभी से अच्छे रिश्ते थे। ऐसे में हमने तय किया कि हम इंतजार करेंगे। हम उनकी वापसी को लेकर सकारात्मक थे। आज भी उन्होंने आधिकारिक तौर पर शो को नहीं छोड़ा है। वह हमारे परिवार के सदस्य की तरह है। असित मोदी आगे कहते हैं कि दिशा अभी हाल ही में दोबारा माँ बनी है, ऐसे में वह अभी शो में वापसी नहीं कर सकती है। नई दया बेन की तलाश में ऑडिशन काफी तेजी से चल रहे हैं और जल्द ही एक्ट्रेस फाइनलाइज हो जाएगी। तो दोस्तों, अब हमें दया बेन तो जल्द ही दिखाई देने वाली है, लेकिन दया बेन का किरदार दिशा वकानी की जगह कोई और एक्ट्रेस निभाती हुई नजर आएगी। आपको क्या लगता है कि कौन सी पॉपुलर एक्ट्रेस इस रोल को दिशा वकानी से बेहतर निभा पाएगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।